हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एसएसआर एएमआर अग्निवीर 1/2023 बैच के लिए जो वैकेंसी थी उसके लिए स्टेज 2 की एग्जामिनेशन चल रही है, जिसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस वीडियो में। और मोस्ट प्रोबेबल ये चांस है कि ये लास्ट रिव्यू वीडियो हो मेरी तरफ से, बिकॉज मैंने जो भी चीज़ें थी वो ऑलरेडी दो वीडियोस में क्लियर कर दिया है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलूंगा कि अगर आप अभी तक न्यू हो चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत कुछ यहां पर मिलने वाला है। अगर आप नेवी एस्पिरेंट हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अन्य किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ये चैनल। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो मैं बताऊंगा वो कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया है मुझे, और वो सारी चीजें आपके सामने रख दूंगा और मैं भी पढ़ूंगा और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो आपके डाउट्स आ रहे थे उसे भी मैंने क्लियर कर लिया है एक बार। और एक और चीज बता दूं कि ऑलमोस्ट जो सेंटर्स है ना वहां पर यही हो रहा है, इस तरीके से ही चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इन्होंने मुझे मैसेज करा आज, भैया आज मुंबई सुबह 6 AM पर रिपोर्टिंग थी, 7:30 AM वालों को भी 7 एंट्री दी, यानी जिनका 7:30 AM पर था। पहले फिजिकल हुआ, मेरा टाइम घर पर 7:45 आ रहा था, यानी 7:45 आ रहा था। यहाँ रनिंग आराम से तो नहीं, पर हाँ एफर्ट, यानी एफर्ट लगाने से हो गई। रनिंग में अगर कोई लड़का एफर्ट लगा रहा है तो टाइम दे रहे हैं, वरना धीरे दौड़ने वालों को नहीं दे रहे। यानी कि अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये सीरियस नहीं है उस चीज को लेकर के। तो एफर्ट लगाए रहना, ये दिखना चाहिए कि आप जेन्युइनली चाहते हो कि आप क्लियर करो रनिंग को। चाहता तो हर कोई है, पर कुछ लोग ढीले पड़ जाते हैं बाद में। पुशअप में किसी को बाहर नहीं किया हमारे बैच से, तो पुशअप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां पर इन्होंने पुशअप के बारे में और भी बताया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी 9 AM वाले बैच से बाहर किए हैं, जो नहीं लगा पा रहे हैं उनको 5 एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं थोड़ी देर रुकने के बाद। यानी कि यहां पर इन्होंने क्लियर भी कर दिया, मतलब आपने अगर 12 में से 11 लगाई तो अगली बार मैं बस 5 लगा दो तो फिट। यानी कि अगर आपको 12 लगाना है और सपोज करो कि आपका जो है वो 10 या 11 पे आप रुक जाते हो या आपसे नहीं होता इसके बाद, तो थोड़े देर बाद आपसे 5 और कराएंगे और वो 5 कर लिए तो आप क्लियर कर लो, तो पुशअप का कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला है। स्क्वैट्स में घुटने चिपकाकर नहीं लगवा रहे, बढ़िया नॉर्मल तरीके से लगवा रहे हैं, स्क्वैट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। मेरे 6 AM बैच में 167 कैंडिडेट थे, जिनमें से 98 ने रनिंग निकाला, 167 में से 98 लोगों ने रनिंग को क्लियर करा। उसके बाद देखो यहाँ पे कंटिन्यू वही मैसेज है। फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल में मेरे साथ 12 लड़के थे जिनमें से 4 फिट हैं, बाकी री मेडिकल बिकॉज ऑफ ईयर वैक्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। टीथ जो है वो आपका साफ होना चाहिए, ETC, बाकी रीजन पता नहीं, इस वजह से बाहर किया गया। 12 में से 4 फिट हो गए, बाहर नहीं किया गया उनको, री मेडिकल दिया गया, ठीक है। मेडिकल आसान है, पहले वेट, हाइट, चेस्ट, आई, ईयर, टीथ, हैंड, लेग, प्राइवेट पार्ट चेक कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट में बढ़िया रिफ्रेशमेंट, राइस बिरयानी दी भरपेट, और मैं फिट हूं, थैंक्स भैया फॉर योर गाइडेंस। और उसके बाद उन्होंने लिखा है और कुछ पूछना हो तो बताइएगा। तो ये चीज मैंने बाद में देखी, सामने देखा, और फिर आपके जो डाउट्स थे वो भी मैंने इनसे क्लियर कर लिए। तो इन भाई को आप कॉन्ग्रेचुलेट भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो ये टेलीग्राम पर भी है, वहां पर भी जाकर के लिख सकते हो, और बाकी जो भी डाउट्स होते हैं वहां पर जाकर क्लियर भी आप कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ जो मेरे डाउट्स थे जो आप लोगों ने पूछ रखे थे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से आपको, जिनका ये क्लियर हुआ है। उसके बाद अच्छा जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करना, मैंने पूछा वेट में बाहर कर रहे हैं अगर आई साइट ठीक नहीं है तो, और पाम स्वेटिंग के बारे में कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि जिनकी हो रही है उनको चांस दे रहे हैं। तो यहां पर वेट में इन्होंने बताया कि इसमें बाहर नहीं किया, और वेट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ±10%, या यूं बोलें कि वेट में बिल्कुल भी बाहर नहीं करेंगे आपको। उसके बाद अगर आई साइट ठीक नहीं है तो रीमेडिकल दे रहे हैं ऐसा बोला इन्होंने, और जो ये है पाम स्वेटिंग के लिए तो चेक नहीं किया हमारा, यानी पाम स्वेटिंग जो है
वो चेक ही नहीं किया है, बाकी आपका होता है या नहीं ये आपके लक के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस किया है मैंने उसमें भी बता चुका हूं। तो ये कुछ इस तरीके से सारी चीजें यहां पे हुई हैं। इन्होंने एग्जाम के बारे में नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं, बिकॉज मुझे जहां तक पता चला है कुछ कैंडिडेट्स ने वो भी शेयर करा, पर मुझे लगा कि वो इररिलेवेंट है, बिकॉज एग्जामिनेशन का कोई ऐसा लेवल नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो फिर एग्जाम समझ लो किस तरीके से आ रहा है। तो ये चीज है, तो आप एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे, ये फॉर श्योर मैं बोल रहा हूं आप लोगों से। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी चीजें थी वो किस तरीके से थी, और जो भी आपके मन में डाउट थे वो होप मैंने क्लियर कर दिया हो। एक और बात, आपको रनिंग क्लियर करना है, सबसे पहले रनिंग मेन है और रनिंग में पूरा एफर्ट लगाना है आपको। रनिंग क्लियर कर लेते हो, पुशअप्स आप आराम से क्लियर कर लोगे, पुशअप्स के बाद आपके स्क्वाट्स तो ईजिली हो जाएंगे, उसमें चेक भी नहीं कर रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और जो उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है वो इजीली क्लियर करोगे। रही बात मेडिकल की, मेडिकल में जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो आप देख चुके हो, आई साइट में प्रॉब्लम हो सकती है और ये सब चीजें हो सकती हैं, बाकी वेट वगैरह में कुछ नहीं होगा। अगर आपके ईयर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि अगर उसको वैक्स नहीं कराए तो एक बार करा लोगे तो बेटर रहेगा, वो साफ रहेगा। कान साफ होना जरूरी है, दांत साफ होना जरूरी है, ये थोड़ी मेन चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें थी जो मुझे क्लियर करनी थी, होपफुली मैंने क्लियर कर दिया है, और ये लास्ट ही रिव्यू होगा, बिकॉज अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। आप इजी तरीके से जाओ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, हर डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल तरीके से लेकर जाना, कुछ भी मिस मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही बताना था, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी, आपके अकॉर्डिंग और क्या हो सकता है। और इन फ्यूचर अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां जुड़े रहोगे तो सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी और डाउट भी आपका सॉल्व होता रहेगा। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, जिनका आगे आने वाले टाइम में उनको ऑल दी बेस्ट, जिनका नहीं हो पाया बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और जिनका हो गया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।